नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। हरियाणा के लगभग सभी दल तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी की बात करें, रैलियों और बैठकों का दौर शिखर पर है, तो कांग्रेस में आज कुछ नेता शामिल हुए, कुछ नेताओं को शामिल कराया गया, तो बयानबाजी भी थमने का या कम होने का नाम नहीं ले रही। उधर जेजेपी के कुनबे में भी खलबली मची है। इनेलो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से सत्ता परिवर्तन का दम भर रही है। ऐसे में चर्चा 2024 को लेकर होगी। पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में आगामी चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति के साथ अभी से इलेक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बीजेपी सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां करने में जुटी है, तो बैठकों का सिलसिला भी तेज हो गया है। सरकार के कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन को तेज किया जा रहा है, तो वहीं जेजेपी भी सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियों की शुरुआत कर चुकी है। लेकिन जेजेपी में कभी आपसी बयानबाजी तो कभी पार्टी नेताओं को अलविदा कहने का दौर थमता नजर नहीं आ रहा। उधर इनेलो परिवर्तन पद यात्रा से सत्ता परिवर्तन का दम भर रही है, लेकिन इन सब के बीच हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेताओं की आपसी बयानबाजी लगातार मुखर होती जा रही है। नए प्रभारी बाबरिया से चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद नेताओं की खींचतान बढ़ती जा रही है। मंगलवार को हुड्डा विरोधी माने जाने वाले हरियाणा कांग्रेस के 3 नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, तो वहीं कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने एक बार फिर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से की जा रही घोषणाओं पर सवाल खड़े करते हुए कह डाला कि ये कांग्रेस पार्टी की घोषणाएं नहीं है। देखो, ये हमारी पार्टी का स्टैंड हमेशा रहा है। घोषणाओं की बात है, तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, कहीं कैंडिडेट की घोषणा हो जाती है, कहीं कुछ और घोषणा हो जाती है, उनको मैं भी करने लग जाऊं, लेकिन पार्टी में एक गरिमा होती है, एक सिस्टम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बने, उसमें चाहे आपका सुझाव है, चाहे उनका सुझाव है, चाहे मेरा सुझाव है, चाहे हमारे किसी भी साथी का या जन का कोई सुझाव, सभी सुझावों को लिया जाएगा। अगर कोई अच्छे सुझाव हैं तो इनके सुझाव सब बीच में मैनिफेस्टो कमेटी जब बनेगी तब करेंगे उसको। तो इस तरह की बात, देखो, अब मैं जिम्मेवार लोग हैं, जिम्मेवारी से काम करें, वो बेहतर होता है। वहीं शैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा की घोषणाओं पर सवाल उठाए, तो रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने भूपेंद्र हुड्डा को भावी सीएम घोषित कर दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो बोला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो बोला। जाहिर है साल 2023 सभी दलों के लिए निर्णायक साल साबित होने वाला है, लेकिन सभी दल जहां तैयारियों में जुटे हैं, तो कांग्रेस भी पहले से अधिक एक्टिव है, लिहाजा कांग्रेस में बड़े नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई भी जारी है। बाबरिया जहां कह चुके हैं कि पार्टी हाईकमान हरियाणा में पार्टी के फेस को लेकर फैसला लेगा, तो वहीं बीबी बत्रा ने हुड्डा को भावी सीएम कहकर नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस क्या इसी तरह की बयानबाजियों और वार पलटवार के साथ चुनाव में जाने वाली है, और दूसरे दल चुनावी तैयारी के लिहाज से कहां खड़े हैं? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए फटाफट एक नजर आज के सवालों पर। 2024 का रण किस में कितना दम, चुनावी तैयारी कौन किस पर कितना भारी, इसको लेकर भी हम जवाब लेने का प्रयास करेंगे। चुनावी तैयारी में कौन कितना आगे है और किसकी क्या स्थिति, हुड्डा की घोषणाएं क्या वाकई कांग्रेस की हरियाणा कांग्रेस की घोषणाएं नहीं है, सवाल ये भी होगा। और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार, और बीबी बत्रा के इस बयान के आखिर मायने क्या है, इसके बाद किस तरह से कांग्रेस में बयानबाजी का दौर तेज होने वाला है, इसको लेकर भी हम चर्चा।
चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए केवल ढींगरा जी चर्चा में आ गए हैं। इनेलू प्रवक्ता रजत पंडेटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडेटा जी के अलावा डॉक्टर पंकज बेनीवाल आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत रावल जी, जैसा कि आज चर्चा का विषय हमने लिया है कि चुनावी तैयारी को लेकर कौन कितना आगे है, कौन किस पर भारी है, बीजेपी की बात करें, बीजेपी कहां खड़ी है वर्तमान में? ज्योति जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्ते। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है। भारत की जनता ने जो वर्षों वर्ष और दशकों तक जो आकांक्षाएं रखी हैं, उन आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, उन अभिलाषाओं को पूरा करने वाली पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को इस प्रकार से याद किया जाता है, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए हमने प्राचीर लिखी है। किस प्रकार से पहले दिन से भारत पर, हरियाणा पर जिस प्रकार से जो जिन लोगों ने जो है सत्ता संभाली उनका किस प्रकार का आचरण होना चाहिए था, वो हमने आकर पचासों साल बाद बताया कि इस प्रकार से जो है सत्ताएं चलनी चाहिए थी। आप लोगों ने घर, अपने घर तक भरने तक सीमित रहे और उसके बाद जेलें काटी आप लोगों ने। आप लोगों ने भ्रष्टाचार के आयाम स्थापित किए। आप लोगों ने अपने परिवारों को स्थापित किया। आपने जनता की बिल्कुल सुध नहीं ली। हमने आकर इस बात को, इस क्रम को उल्टा और आज जनहितेशी जो हमारी सरकारें चल रही हैं वो इतनी लोकप्रिय हो चुकी हैं कि आज हमें सामने जो है जनता और हमारे बीच में कोई नहीं दिखता। आज जनता और भाजपा का सीधा सीधा जो एक संबंध है उस संबंध से आगे कोई भी नहीं है। ये सभी लोग नागण्य हैं और इसलिए इनमें जूतम पजार चल रही है। अब आप खुद ही सोचिए कि जूतम पजार कहां चलती है। लूट के माल पर ही तो हमेशा जो है झगड़ा होता है। अब ये लुटेरे जो है आपस में जो झगड़ते हैं, जिनकी सुर्खियां बनती हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, अपने पैकेज में भी चलाया, ये लूटना ही तो चाहते हैं ना। लूट के लिए तो कर रहे हैं, सेवा करने के लिए कोई इस प्रकार से झगड़ता दिखा आपको? नहीं दिखता। इन्होंने अपने अपने परिवारों को सेट करने का बेड़ा उठाया हुआ है और दूसरों में चिंता यह है कि अगर इनका परिवार सेट हो गया तो हमारा क्या होगा। कुल मिलाकर इनका रोला यही है। इसलिए ये जो दो गैंग आप दिखाते हैं, एसआर के गैंग जो स्थापित हो चुका है और दूसरा हुड्डा बापू बेटा गैंग जिसके अंदर कुछ और भी लोग हैं, जैसे आपने बीबी बत्रा जी का बताया, एक शायद साथी जो हमारे यहाँ पर पैनल पर है वो भी हुड्डा गैंग के ही हैं। तो कुल मिलाकर इन पर जनता क्यों विश्वास करें? ये वादे करते हैं और जनता की विवेचना के लिए छोड़ते हैं, लेकिन जनता इस पर वादों पर विश्वास करे या ना करे उससे पहले इनकी पार्टी वाले ही सवाल खड़ा कर देते हैं, बोले किससे पूछकर वादे किए। और ये बड़ा, ये एक तरह से जो है आने वाले भविष्य का एक आकलन देते हैं कि अगर गलती से भी कोई चूक हो गई, गलती से भी इनकी सरकार बन गई तो क्या होने वाला है। उसका एक बहुत सुंदर जो है चित्रण ये आज पहले ही खींच के देते हैं कि किस प्रकार से देखा हमने 10 साल तक जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब कुमारी शैलजा जी क्षेत्र की सांसद थी, लगातार 10 साल रही, उस क्षेत्र के साथ कितनी उपेक्षा हुई हमने देखा। किस प्रकार से जहां किरण चौधरी हुआ करती थी, रोहतक से नीचे उतरते थे तो भिवानी ऐसा लगता था जैसे हम किसी दूसरे जो है दुनिया में आ गए हों। किस प्रकार से जो है उनकी अपेक्षा हुई थी वो स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। और इसी तरीके से जैसे ही हम देखते थे रणदीप सुरजेवाला को किस प्रकार हाशिए पर रखने का प्रयास किया, आज भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा फिर से यही कहना है, अगर लक्ष्य अच्छा होगा, अगर बात अच्छी होगी तो सब लोग एकजुट होंगे, जैसे भाजपा एक परिवार के तौर पर एकजुट दिखती है। लेकिन अगर लूट का इरादा होगा तो आपस में इस बात की झगड़ा जरूर होगा कि लूट का माल ज्यादा कौन लेकर जाए, और लूट का अवसर जो है जनता देने नहीं वाली है। इसलिए ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा विधु रावल का आपको ये सुझाव है, क्योंकि आपका ना तो आपकी सत्ता आनी नहीं है तो किस बात का झगड़ा करते हो आप बिना बात के झगड़ा मत कीजिए। स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और मुस्कुराइए। हरियाणा की जनता आपको दिलों से उतार चुकी है, नकार चुकी है। आइए कांग्रेस को चर्चा में ले आते हैं। तो बिना बात के क्यों झगड़ा कर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हो? कांग्रेस को चर्चा में जोड़ लेते हैं। ढींगरा साहब हैं हमारे साथ। केवल ढींगरा जी, एक तरफ तो दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस को मजबूती देने का प्रयास किया, कुछ नेता शामिल हुए हरियाणा कांग्रेस में, लेकिन कुमारी शैलजा ने फतेहाबाद में एक बार फिर से राग अलापा है कि कोई व्यक्ति अगर घोषणाएं करता है तो वो पार्टी की घोषणाएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो तैयार करने की प्रक्रिया अलग है। उसके बाद बीबी बत्रा की हम जो पलटवार के उस पर भी आएंगे, कैसे और किस तरह से वो ये ऐलान कर देते हैं, घोषित कर देते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा अगले मुख्यमंत्री होंगे, बताइए।
ज्योति जी, घोषणाएं जो लागू की हैं वो तो रहेंगी और घोषणाएं लागू हैं, ये भी बता रहा हूं आपको। चाहे बीजेपी के हमने कुछ लेना देना नहीं है, ये बीजेपी के अपने झगड़े सुलझा ले वही बहुत है, इनके अपने झगड़े इतने हैं आपस में, रोज इनकी अंदर से जो सिर फटोवल हो रही है वो हमें भी मालूम है। लेकिन चलो हम इसकी चर्चा नहीं करते, हम अपनी चर्चा करते हैं जो हम आज विषय है। हम ओपीएस लागू करेंगे, जो कह दिया वो करेंगे, 6000 पेंशन लागू करेंगे, जो कह दिया करेंगे, सिलेंडर 500 रुपए कह दिया वो करेंगे, 182000 पद भरेंगे, जो कह दिया करेंगे। क्रीमी लेयर इन्होंने 6 लाख से कम करके 4 लाख कर दी थी, 4 लाख से 10 लाख कर देंगे। अच्छा। गरीब आदमियों को 382000 प्लॉट पहले हुड्डा साहब ने दिए थे, अब सरकार आएगी फिर देंगे, ये चाहे जो मर्जी कह ले, हम तो करेंगे और किया है और करेंगे, ये है हमारा वायदा। दूसरी बात ये बता रहा हूँ, किसी के कुछ कहने से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस अपनी लाइन पे चलेगी, जो बात कही है वो करती है, हमारा ये संकल्प है। उस संकल्प के बीच में हमारी डिस्कशन हुई सभी एमएलए की, हरियाणा की जनता के क्या फैसले करने हैं। नंबर दो, हमारा ये फैसला भी हुआ कि राजस्थान में हमने करके दिखाया, हिमाचल में हमने करके दिखाया, छत्तीसगढ़ में हमने करके दिखाया, कर्नाटक में हमने कर दिया। जब सब पे सारी स्टेटों पे ये सारी चीजें लागू कर दी तो हरियाणा पे भी होंगी। और मैं आपको ये कह सकता हूं, इनकी सरकार गई, बीजेपी गई, कांग्रेस आ रही है, और जनता जो है वो कांग्रेस को लाने के लिए तैयार बैठी है। इनके इनकी इनकी मुंह मीठी बातें जो है लोग नहीं अब सुनने वाले। इन्होंने 9 साल के अंदर जो हालात किए हैं प्रदेश के, वो सारी देश की जनता भी जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है। इन्होंने 3 बार गोली चलाई हरियाणा के अंदर और 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए, माथे और छाती में गोलियां चलाई हैं। किसान 1 साल से धरनों पे बैठे, उसके अंदर 750 किसान शहीद हो गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद कभी पंचकुला के अंदर, कभी कुरुक्षेत्र के अंदर, कभी हरियाणा के अलग अलग हिस्सों के अंदर जितने कर्मचारी थे, जितने अलग अलग स्फीयर थे कर्मचारियों के, अलग अलग जैसे रोडवेज के अलग, आंगनवाड़ी अलग, दूसरे अलग, टीचर अलग, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर अलग, सभी के ऊपर लाठियों डंडों से पिटाई की है, सरपंच नहीं छोड़े इन्होंने, कृषि के जो किसान थे वो नहीं छोड़े। इतनी पिटाई सारे वर्गों की है, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे बिजनेसमैन वर्ग हो, उनकी जीएसटी के अंदर जितनी छिलाई इन्होंने की है सारी प्रदेश की जनता जानती है। जो इन्होंने HSIDCs बनी थी, IMTs बनी थी, 50% फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोगों ने 10 साल के अंदर कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, मेट्रोज बनाई, रोडवेज के लिए इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, ROBs बनाए, हमने KMP बनाया, KGP बनाया, हमने मेट्रो का जाल हरियाणा के अंदर बिछाने का काम किया, बिजली के कारखाने लगाने का काम किया, हम लोगों ने इस इलाके को बढ़ाने का काम किया, और इन लोगों ने ताजमहल भी आपने बनाया, या तो हमारे शाहजहां का तो लोग गलत नाम लेते हैं, या इन्होंने अपना कोई भी अपना काम, अपनी 10 काम गिना दें जिसके ऊपर इन्होंने एग्रीकल्चर जमीन के ऊपर इन्होंने एक्वायर करके ऊपर 10 काम किए हो ना 9 साल के अंदर। हम आपको ढेरों हजारों काम गिना सकते हैं, 100 भी नहीं, हजारों, लेकिन ये हमें 10 काम गिना दें जिसके ऊपर जमीन एक्वायर करके बीजेपी की खट्टर सरकार ने अपना एक भी प्रोजेक्ट शुरू किया हो, केवल जी एक भी प्रोजेक्ट शुरू किया जी, केवल ये 10 काम गिना दे मैं मान जाऊंगा। आपने जो भी कहा बिना रोके टोके हमने सब सुन लिया, हरियाणा के ऊपर कर्जा दिया, लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं था केवल जी। हुड्डा साहब तो ठीक है, एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के भीतर जो नेता है उनकी लाइन को छोटा करने में लगे हैं, वो उनकी विश्वसनीयता नहीं। नहीं, कुमारी सैलजा क्या ये बड़े नेता नहीं है? रणदीप सुरजेवाला क्या ये बड़े नेता नहीं है? आप कह दीजिए बड़ी नेता है, तो फिर ये खुद ही कह रहे हैं कि ये किसी व्यक्ति के फैसले हो सकते हैं, बावरिया के सामने अब प्रेस वार्ता में भी कह रहे हैं। तो ये बीजेपी सवाल उठाए या दूसरे दल सवाल उठाए, इससे पहले आपके अपने नेता सवाल उठा रहे हैं केवल डिंगरा जी। हाँ, बिल्कुल उठा रहे हैं, मैं मान रहा हूं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके सवाल का जवाब जो है वो AICC लेगी, AICC उनके ऊपर बात रखेगी। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं,
जो जो ऑलरेडी ऑलरेडी AICC का जनरल सेक्रेटरी है वो उसको मीडिया में सवाल नहीं उठाना चाहिए, उसको पार्टी की लाइन पे सवाल उठाना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो पार्टी की AICC देखेगी ना। लेकिन हरियाणा के मुद्दे पे, हरियाणा के हरियाणा के लीडर माननीय भूपिंदर सिंह हुड्डा जी और सारे के सारे MLA सभी की मीटिंग में ये सारे मुद्दे तय हुए, उसमें किरण चौधरी भी मौजूद थी और ये सारे मुद्दे तय हुए थे कि हम ये लागू करेंगे। वो तो इनकार कर रही है, वो कह रही है ऐसी और डंके की चोट पे किया है, बीजेपी को पूछ के नहीं हमने करना। किरण इनकार कर रही है वो मौजूद नहीं थी। ओके मैम, कांग्रेस जो कहती है वो करती है और ये काम इंप्लीमेंट हो गया है, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं। चलिए उसका उत्तर अभी लेंगे आगे चर्चा में, दूसरे मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़े। पंजेटा जी, परिवर्तन यात्रा का पद यात्रा से आप परिवर्तन का दावा कर रहे हैं, आपके नेता दावा कर रहे हैं, क्या वाकई जिन जिन हलकों में जिन जिलों में गए हैं अभय चौटाला, मिला के लोगों का रिस्पांस, क्योंकि वर्तमान की अगर बात करें बीजेपी भी काफी आगे नजर आ रही है, कांग्रेस भी मजबूत है, इसमें भी कोई दोराय नहीं, तो इनेलो खुद को कहां पाती है, क्योंकि वर्तमान में तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है पार्टी की। देखिए ज्योति जी, वर्तमान से तो 2009 में भाजपा के केवल दो विधायक थे हरियाणा में, तो 2014 में सरकार बनाई ना उन्होंने, लेकिन वो जिस तरीके से जनता के साथ रूबरू होना चाहिए। अब जनता के साथ देखिए, अगर कोई ड्राइंग रूम में बैठ के दावे करे वो बात अलग है, कोई इवेंट मैनेजमेंट करे वो बात अलग है, लेकिन जो निरंतर दिन रात जनता के बीच में ही है, जनता का दर्द समझने के लिए क्या परेशानियां आ रही हैं, जनता ये देखती है कि कौन कितना संजीदा है, कौन कितना गंभीर है, हमारे लिए हमारा दर्द समझने हमारे बीच में कौन आया। तो 24 फरवरी से हमारी यात्रा शुरू है, लगभग हम 2400 से ऊपर किलोमीटर कर चुके हैं, आज 171 दिन हो गए हैं नरवाना हल्के में यात्रा है। तो देखिए जनता का तो खुद जनता के जब अपना दर्द बयान करे, इससे बढ़िया मुझे लगता है चुनावी तैयारी जो है वो नहीं हो सकती। और खुद अगर आप सीधा जनता के बीच में जाएं, उन जनता के बीच में बैठें और हर चीज को अपनी आंखों से देखें और कुछ जनता खुद बताए अपने अपने जहां जहां अपने हल्कों में जो जो दर्द है, तो जनता देखती है कल को ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये हमारे बीच में आके हमारा दर्द साझा करके गया है, हमारी चीजें जो जो हमारी परेशानियां हैं, तो कल को जब मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले जैसे सरकार आपके द्वार था, अब तो बिल्कुल पद यात्रा आपके द्वार है, बिल्कुल पैदल चल रही है सारी की सारी यात्रा और बहुत भारी जोश है। महिलाओं का गृहणियां है वो अलग बता रही है किस तरह आज सिलेंडर की वजह से, महंगाई की वजह से घर पे बेरोजगार बच्चे बैठे हैं, कहीं नशे की दिक्कत है, कहीं जमीन बेच के बाहर जाना पड़ रहा है, कौशल रोजगार जैसी ये योजनाएं नौकरियां हैं, फिर हर एक व्यक्ति गांव ग्रामीण आंचल में या डांह से भी यात्रा गुजर रही है। ज्योति जी वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि बिजली के बिल जो पहले आपकी राज में 200-250 के आते थे वो अब 5-5, 10-10 हजार के आ रहे हैं, जिससे बजट बिगड़ रहा है बहुत ज्यादा। फिर किसानों की अलग समस्या है, समय पे खाद नहीं मिल रहा, सारी दवाइयां महंगी हो गई हैं, लेबर बहुत महंगी हो गई है, समय पे मिल नहीं रही। उसके बाद अलग अलग जिसे कहते हैं ना, सभी वर्ग आके अपना जब बैठते हैं तो अपना जो है दुख साझा करता है हमारे साथ, और वो उनको पता है कि अभय सिंह जी कल को अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये एक ऐसा सीरियस जिसे कहते हैं संजीदा पॉलिटिशियन है जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। तो ये परिवर्तन यात्रा रजत जी, बिल्कुल अभय को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की परिवर्तन यात्रा है ये। देखिए ज्योति जी, मुख्यमंत्री केवल नाम का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए कि जिसकी फ्रीज भी खराब ना हो कुर्ते पजामे की, रोज नहीं कुर्ते पजामे बैठ के अगर आपके सामने अगर उसको देखने के लिए थोड़ी ना है, वो जनता के बीच में होना चाहिए। जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ऐसे प्रशासक थे कि 24 घंटे मतलब उनको 24 घंटे नहीं तो उनको ये बोलने का, लेकिन 4 घंटे केवल वो सोते थे, लेकिन वो या तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और बिल्कुल सरकार आपके द्वार में उन्होंने जाना ही है, एक महीने में उनके एक दो चक्कर हफ्ते में लगने ही लगने हैं, और सारी की सारी जो दिन के जो भी दिनचर्या रही है उसकी रिपोर्ट जो है वो DC और SP ओम प्रकाश चौटाला जी को दिया करते थे। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ और एक काम कैसे होगा, बिल्कुल आपको जनता को अपनी तरफ नहीं बुलाना, रैलियों में भीड़ इकट्ठे नहीं करनी, आज जो मांग है समय की वो है जनता के बीच में जाइए, उनसे उनका दर्द साझा करिए, उनसे पूछिए तो सही। आज अगर आप सीधा संवाद भी नहीं करते, अगर मुख्यमंत्री जी के संवाद के प्रोग्राम थे, एक विधवा
जिसका जवान लड़का चला गया हो उसको बोलने नहीं दिया जाता ये कहकर कि तू सिंची सिखाई है। कोई कोई कुछ भी पार्टी का हो, चलो ABCD कोई वर्कर है, लेकिन वो हरियाणा का नागरिक है, उसका पूरा हक बनता है कि वो मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हरियाणा के हैं, वो उनसे सवाल कर सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे जाते हुए, क्योंकि पब्लिक के बीच तो मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, जनसंवाद मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। महेंद्रगढ़ में क्या हुआ ज्योति जी, उनको बंधक बना लिया गया, जनता में क्या हुआ, भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आज देखिए आप, यही तो जनता का दर्द है, अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो उनका दुख तो साझा करना पड़ेगा, उनका तो सुनना भी पड़ेगा। या तो विदु जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, विदु राव जी। हाँ जी, देखिए बड़ी सारी बातें कही रजत पंजेटा जी ने, इन्होंने कहा पिछले दर्द जो इन्होंने दिए हैं वो दर्द क्या आज तक जनता भूल पाई है, जो ये अगली बार जो है जनता के दर्द फिर पूछ रहे हैं। देखिए मैं याद करवाना चाहूंगा, ये थंपिंग मेजोरिटी के साथ आए थे सरकार, दोबारा आए तो सिंगल फिगर में। रजत जी मैं नहीं बोला, रजत जी प्लीज बीच में मत बोलिए, रजत जी प्लीज बिहेव योरसेल्फ। आप कर्ज के ऊपर जवाब दे दो, हमारा तुलना करनी है, आप कर्ज से तुलना कर दो, आपके 4 लाख का कर्ज है। अच्छा हो गया, अब चुप हो जाइए। अच्छा तो इन्होंने एक दो बातें बड़ी अच्छी की, इन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर जनता को समझ रहे हैं। अरे सत्ता में तो कब से, 1977 से हो आप लोग, उसके बाद भी जनता के बीच में आज जाने की सूदी क्यों आई? फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम सरकार आपके द्वार जाया करते थे। रजत जी ऐसे नहीं चलेगा, रजत जी ये गलती है, ठीक है लोक दलीय हो, थोड़ा जरूरी थोड़ी हर जगह अपनी दिखानी है। मैंने डायरेक्ट किया है जो पीजी तरफ, सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है, आप हो, हम 70 पे नहीं है। ठीक है पंजेटा जी, पहली बार आप लोगों ने हवाला दे रहे हैं, अभी हम विषय पर आ जाएं बहुत जल्दी, अब बात पूरी कीजिए विदु जी। अच्छा इन्होंने एक वाक्य की अनुमति ली, हम मैं चुप हो गया, फिर भी कट सी नहीं दिखा रहे, कौन देगा आपको वोट? कोई नहीं देगा। पंजेटा जी इन्होंने कहा सरकार आपके द्वार जाया करते थे। सर मैं एक गैर राजनीतिक परिवार से हूँ, जब आप लोगों की सरकार के दौरान सरकार आपके द्वार जाया करते थे ना, लोग थर 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 कांपते थे, कहीं चौटाला यहां ना आ जाए, यहां आपकी यात्राएं जो थी वसूली यात्राएं हुआ करती थी। मैंने पहली बार जब वोट दिया था आपको हराने के समय वोट दिया था, जब आपके 9 विधायक आए थे और मेरा जो सीनियर एक था। अरे बीच में मत बोलिए रजत पंजेटा, बदतमीजी मत कीजिए, आप मत कीजिए बदतमीजी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे। मेरे एक सीनियर जो है वो दिल्ली के अंदर उस समय नौकरी किया करते थे, मैंने उनसे पूछा आप इतनी दूर पानीपत क्या करने आए, बोले मैं गुंडों को हराने के लिए आया हूं, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार गलती से भी वापस ना जाए, इसलिए मैं दिल्ली से स्पेशल वोट करने आया हूं। आपको जनता इस प्रकार से याद करती है? आपके खाद और बिजली की बातें बताऊं, लोगों को याद है किस प्रकार आप लाठियां भांजा करते थे? बिजली की बात करके सत्ता में आए थे, किसानों की बिजली जो है आप कहते थे मीटर उखाड़ के फेंक दियो, फिर कंडेला में 1700 गोलियां चलाई आपने, किसानों को गोलियों से भूना। लेकिन खैर आप इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, इवेंट मैनेजमेंट क्या ये होता है किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा आना, इसको इवेंट मैनेजमेंट? किसान के खातों में पैसे डायरेक्ट आए, इसका विरोध किया कि नहीं किया आपने? आपने विरोध किया कि नहीं किया? आपको तिहाड़ी पार्टी हो या नहीं हो, आपकी पार्टी के सुप्रीमो तिहाड़ की जेल भुगते कि वो आए कि नहीं आए? अच्छा एक बात मुझे एक केवल जी की बताने दो, मैं ना इंतजार कर रहा हूँ, ज्योति जी बौखला चुके हैं, ये व्यक्ति बौखला चुका है, अब इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा, अब ये इंटरप्ट कर रहा है। ज्योति जी मेरे को अवसर दीजिए, इनको चुप करवाइए। जी मैं एक वाक्य कह के विदु जी मैं आपसे भी निवेदन करूंगी, आप जल्दी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि अभी बेनीवाल जी का नहीं, ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो पाई बेनीवाल जी की, यादव जी को भी मैंने चर्चा में नहीं जोड़ा, आधा समय जा चुके डिबेट का। पंडिता जी नहीं सर, आप कह चुके हैं बीजेपी के साथ आप लोग गठबंधन में थे, बेनीवाल जी को बुलवा लीजिए। ठीक है बेनीवाल जी को जोड़ लेते हैं चर्चा में, उसके बाद आपके पास ज्योति जी, आप बेनीवाल जी को बुलवा लीजिए, मैं उनके बाद बोलूंगा। ठीक है, नहीं फिर मैं बेनीवाल जी के बाद राजेंद्र यादव जी के पास भी हम चलेंगे, क्योंकि वो भी अभी चर्चा में नहीं आए। अगर आपको एक वाक्य कहकर अपनी बात कंप्लीट करनी है विदु जी तो कीजिए, कोई बात नहीं, मेरे पास सब्र है। ठीक है बहुत शुक्रिया, आगे मैं यही याद करवाना चाहता हूँ, इनके कुकर्म इतने बड़े हैं, इनके ठीक है विदु जी आएंगे अभी, इतने इतने बुरे हैं कि जनता याद करती है ना इनको, इसी तरह से बहस करते रहेंगे तो समय ही बर्बाद होगा ना, प्लीज आप सुनिए दोनों, हुड्डा वापिस आ जाएगा, लोग डरते हैं साहब,
आप इतने इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आपसे डरते हैं सब लोग। आपके नाम नाम से लोगों की सत्ता बन जाएगी इस डर से कि कहीं आप ना आ जाओ गलती से। आपके आपका इतना डर है हमारे मन में भाई। हम आम लोगों के साथ आपने क्या किया? गोलियां चलाया करते थे, विधायकों को पीटा करते थे, भूलिए क्या? अरे गुंडों की सरकार, बदमाशों की सरकार, चोरों की लुटेरों की सरकार, जनता को लूट के खा गए वो सरकार, आपको याद करते रहते हैं हम लोग। हमें डर लगता है आपसे, हमें आपसे डर लगता है, हमें डर लगता है। चौटाला गलती से भी वापस आ गया क्या होगा? अगर हुड्डा गलती से भी आ गया क्या होगा? हमें डरते हैं साहब आपसे, हम डरते हैं आपसे। हमें इस डर से भाजपा ने बात किया है। विधु जी अभी अभी सब रहे तो सुनिए फिर, है ना? अरे छोड़ दीजिए, रजत पंजेटा जी आप ही सुनिए। नहीं नहीं, डिबेट को रोकिए मत यहाँ पर, वो की मजाक विधायक पद छोड़ दिया था। अभी अभी आप दोनों सरकार चला रहे हो, अभी आप दोनों सुनेंगे। पंकज बेनीवाल जी से मेरा सवाल रहेगा। अरे चलती सरकार बीच में छोड़ दी थी हमने, छह विधायकों ने हमारा इस्तीफा दे दिया था एक साल पहले। छह विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, पढ़कर आओ जानकारी लो। ये क्या तरीका है आपके सरकार, ये क्या तरीका है पंकजा जी, विधु रावल जी सर, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं आप लोग? ज्योति और दूसरे जो तीनों मेहमान शांति से सुन रहे हैं सर, आप उनका भी समय बर्बाद कर रहे हैं, दर्शकों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। ये चिल्ला चिल्ली में कोई नहीं सुन पाता। पंकज बेनीवाल जी प्लीज सुने आप लोग। पंकज बेनीवाल जी, हरियाणा में आपकी पार्टी क्या उम्मीद करती है? चूंकि पिछले इलेक्शन की बात कर रहे हैं या उसके बाद जब आप लोगों ने प्रयास किया इलेक्शन में जाने का, कोई रिस्पांस आपकी पार्टी को नहीं मिल पाया। नमस्कार ज्योति जी और सभी दर्शकों को, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए ज्योति जी, आम आदमी पार्टी लगातार जनता के मुद्दों पर काम कर रही है। अब जनता के मुद्दे हैं क्या? जनता एक आदमी की जो तनख्वाह है एक महीने की, वो किस में चली जाती है? बच्चों की फीस में चली जाती है, इलाज कराने में चली जाती है, बिजली का बिल भरने में चली जाती है, पानी का बिल भरने में चली जाती है, किसानों को खाद लेने में चली जाती है, महिलाओं को बसों में यात्रा करने में चली, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक आम आदमी की आज तनख्वाह जीरो हो जाती है। महीने के आखिर में उसको कर्ज उठाना पड़ता है। तो आज जब हम जनता के बीच जा रहे हैं कि हम जब आएंगे तो दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर आपको अच्छे सरकारी स्कूल बना करके देंगे, हम जब आएंगे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार जब हरियाणा के अंदर बनेगी तो मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, अच्छी दवाइयां मिलेंगी, फ्री में दवाइयां मिलेंगी, सारे टेस्ट फ्री में होंगे, ये सारे वादे हमारे पब्लिक के साथ हैं। फ्री में बिजली देंगे, जैसे दिल्ली में 200 यूनिट और पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, उन मुद्दों पर हम जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, जनता बहुत खुश है इन चीज़ों के लिए। फ्री बस यात्रा देंगे महिलाओं के सम्मान के लिए कि महिला पूरे हरियाणा में कहीं भी घूमे उनको हम फ्री में बस यात्रा देंगे। बस यात्रा तो खैर कांग्रेस और बीजेपी वाले भी देते हैं, लेकिन वो एक दिन के लिए सिर्फ रक्षाबंधन वाले दिन देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल माताओं बहनों को पूरे 365 दिन वही सम्मान देते हैं फ्री बस यात्रा देकर के। कोई शहीद अगर हो जाता है कार्यरत रहते हुए तो उसको 1 करोड़ की सम्मान राशि उस परिवार को दी जाती है, डोर स्टेप फैसिलिटी दी जाती है, फरिश्ते योजना चलाई जा रही है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। कोई रोड एक्सीडेंट में कोई मर जाता है या किसी का कोई घायल हो जाता है, उसके ऊपर करोड़ों का भी अगर खर्च होता है तो वो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की सरकार पंजाब और दिल्ली के अंदर वो फरिश्ते योजना को लागू किया हुआ है। वैसी ही योजना हरियाणा के अंदर भी होंगी, क्योंकि आए दिन रोडों पर एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि रोडों की खस्ता हालत आज भाजपा की सरकार में है 9 साल के राज में। और मुख्यमंत्री से लेकर दूसरे दल ये कहते हैं बीजेपी आप लोगों का ही रेवड़ी कल्चर हरियाणा वालों को नहीं चाहिए, बार बार कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही रेवड़ी कल्चर। जब ये लोग कहते हैं कि 15 लाख रुपए काला धन वापस ला करके हम हर भारतीय के अकाउंट में डाल देंगे, तो वो 15 लाख का पापड़ कहां जाएगा? वो आज तक क्यों नहीं मिला? अरविंद केजरीवाल ने अगर कोई रेवड़ी बांटी तो वो जनता के पैसों से जो टैक्स आया वही जनता को लौटाया। इन्होंने अपनी पेंशन नहीं छोड़ते। एक MLA अगर एक दिन के लिए भी बन गया वो अपनी पेंशन नहीं छोड़ता, चाहे वो एक बार अपनी उसमें 3 बार 4 बार MLA बन जाए तो हर बार वो पेंशन लेता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार में एक MLA सिर्फ एक पेंशन लेता है, बाकी पेंशन सब छोड़ देते हैं। यही जो जनता का पैसा टैक्स बन के आता है वो जनता पर देना, अगर फ्री रेवड़ी है, अगर अच्छे सरकारी स्कूल बनाना फ्री रेवड़ी है, अच्छे सरकारी अस्पताल बनाना फ्री रेवड़ी है, मोहल्ला क्लिनिक बनाना फ्री रेवड़ी है, लोगों को फ्री बिजली देना फ्री रेवड़ी है, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी देगी और ये रेवड़ियां यूं ही बटेंगी। इन्हीं रेवड़ियों से शायद सीख लेकर के भाजपा और कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में हम फ्री बिजली देंगे, ये कहां से सीखा? यानी कि अरविंद केजरीवाल से शायद ये लोग सीख गए कि कैसे फ्री बिजली दी जा सकती है। बहुत अच्छी बात है, ये लोग फ्री रेवड़ी कल्चर नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए फ्री कल्चर हमारे को बोलते हैं लेकिन खुद भी उसी को अपनाते हैं अरविंद केजरीवाल के पद चिन्हों पर।
आज बीजेपी और कांग्रेस इनेलो सब चल रही है, इसीलिए सबके बड़े बड़े दावे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, हम ओपीएस लागू कर देंगे। ओपीएस को हटाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की दोनों जिम्मेदार हैं। सेंटर में हटाई थी वाजपेयी जी की सरकार ने और कांग्रेस ने हटाई हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब की सरकार ने, तो दोनों के दोनों आज कहते हैं कि ओपीएस लागू कर देंगे। 9 साल से बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं ओपीएस लागू कर दिया? हुड्डा साहब की सरकार वहां थी, 10 साल तक मलाई खाई, 10 साल तक मलाई खाई इन लोगों ने। जब हुड्डा साहब को याद नहीं आया कि मैंने ओपीएस क्यों हटा दिया, काला धन वापिस कितना आया वो इसका जवाब दे, 15 लाख रुपए क्यों नहीं मिले। गुरुग्राम में आज हम बैठे हैं, गुरुग्राम की हालत क्या है आप जानते हैं। मोदी साहब ने कहा था कि इन्वर्टर फ्री कर दूंगा गुरुग्राम को, यहां पर आज सरकारी अस्पताल में मैंने कल आज ही पढ़ा है 48 घंटे तक बिजली गुल थी। 320 केवीए का जनरेटर वहां होना चाहिए, उतना लोड है, और 120 केवीए की बिजली सिर्फ वहां पर सप्लाई होती है जनरेटर के थ्रू। 5 मिनट का बैकअप वहां पर जनरेटर दे नहीं पा रहा है। इन्वर्टर फ्री करने की बात करते हैं, एक नागरिक अस्पताल है वो भी छोटा सा है, वहां पर बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। इन्वर्टर फ्री की बात करते हैं, गुरुग्राम के अंदर लगातार 10 दिन से बारिश है और नर्सिंग पूरे गांव है वहां पर, जो NH8 के बराबर में जो रास्ता जाता है, जो साइड लाइन है, उसके ऊपर पानी भरा हुआ लबालब, वहां पर 4-4 किलोमीटर का लंबा जाम लग जाता है। आप बात करते हैं कि हमने गुरुग्राम में काम कर दिया, हमने यह कर दिया। आप बात करते हैं कि हमारा संगठन है गुरुग्राम के अंदर, मानेसर के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, कब से चुनाव स्थगित है, क्यों नहीं चुनाव करा रहे? 9 साल के कार्यकाल में 4 साल तक ग्रामीण आंचल का विकास रुका रहा क्योंकि इन्होंने चुनाव टाइम पे नहीं कराए। इसी वजह से 4 साल तक अगर ग्रामीण आंचल का विकास हो जाता तो आज ग्राम हमारे जो गांव है जो हरियाणा के आगे पहुंच गए होते। अदालत की वजह से था वो 4 साल नहीं। अब करीब करीब हमारे हरियाणा की महिलाएं आज रो रही है ज्योति जी, उनका रसोई गैस का सिलेंडर जब ये 400 का था तो स्मृति ईरानी जी चिल्लाती थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं होती थी तो अर्धनग होकर के ओम प्रकाश धनखड़ जी रोडों पर चलते थे, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट ना आज लागू हुई है और ना ही गैस का सिलेंडर भी कम हुआ है। सारी विषय रख दिए, अब आप सुने जाधवन साहब, सभी दलों को लेकर हमने बात की लेकिन जननायक जनता पार्टी को लेकर बात करें, एक तरफ रैलियां की जा रही जुलाना की ही बात करें, उसका रुझान तो ये नजर आता है कि आज जेजेपी के जुलाना के 72 गांव के कार्यकर्ताओं ने जेजेपी को अलविदा कह दिया। जेजेपी के एक बड़े नेता आज कांग्रेस में शामिल हो गए, विधायक जेजेपी के खिलाफ या फिर अजय चौटाला परिवार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो जेजेपी को कहां देखते हैं आप चुनाव के लिहाज से? देखिए जेजेपी लगातार अपने सबसे तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन हाँ ये है कि कई पुराने कार्यकर्ता जो जेजेपी को छोड़ के दूसरे दलों में भी चले गए। अब ये जो गठबंधन टूटने की चर्चा और अकेले चुनाव लड़ने की, इससे जो थोड़ी भ्रामक स्थिति बनी हुई है, मुझे लगता है कि जो टिकट के दावेदार हैं नेता कार्यकर्ता, उनको लगता है कि अब इस पार्टी में रहते हुए उनका टिकट का भविष्य नहीं है तो वो दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। लेकिन जेजेपी अपना कॉन्फिडेंस बनाए हुए है, लगातार वो जो है तैयारियों में जुटी हुई है, रैली भी अभी इन्होंने कर ली है जुलाना में और आगे भी रैलियों का प्रोग्राम है, और उधर वो तो हरियाणा के अलावा राजस्थान में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए, और राजस्थान में भी इन्होंने एक विधानसभा सीट से कोटपुतली में अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। तो ये देखना है कि ये तमाम खींचतान के बावजूद वो जेजेपी में आंतरिक खींचतान भी है और बाहर भी भारतीय जनता पार्टी में भी एक खेमा ऐसा है जो गठबंधन तोड़ने के पक्ष में है, इसके बावजूद जननायक जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो ये उसका एक आत्मविश्वास का स्तर बहुत ऊंचाई पर है, किसी तरह से वो जो है अपने को बनाए रखना चाहती है और सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों की चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। अब वो देखना है कि इस गठबंधन का क्या भविष्य है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करती है और खासतौर से उसकी सेंट्रल लीडरशिप क्या फैसला करती है, उस पर डिपेंड करता है। इधर कांग्रेस जो है वो डिवाइडेड हाउस है, जो हुडा विरोधी जो गुट थे तीनों वो मिलकर एक हो गए और वो हम अपने आप को इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे हम ही विपक्ष हैं। तो अब ये जो खींचतान है इसका क्या नतीजा होगा वो देखने की बात होगी, क्योंकि कांग्रेस जो है 2019 में एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी और काफी हद तक माहौल उसके पक्ष में था, लेकिन मुझे लगता है कि ये टिकटों का बंटवारा सही नहीं होने से और खींचतान की वजह से वो सत्ता में आते आते रह गई, सत्ता से दूर रह गई और बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी को भी गठबंधन की सरकार बनाने का मौका मिला। अब वो ये है कि बाकी और दल जो अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, जो आपके पर चले गए,
या जो अपने पैर जमाना चाहते हैं वो जनता के मुद्दों को उठाकर संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को अपना संघर्षशील चेहरा दिखाना चाहते हैं, तो देखना यह है कि चुनावी मैदान में कौन कितना कर पाएगा और लोग कितने कितने प्रभावित होते हैं। अब ये है कि चुनावी घोषणाएं हो रही है, तो सवाल ये है कि अभी से करीब एक साल पहले से ही इतनी कड़ी स्पर्धा का माहौल बन चुका था, लगता था कि जैसे चुनावी तिथियों की लग रहा है कि चुनावी तिथियों की घोषणा हो चुकी है और सभी दल अपनी तैयारी और अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हालांकि अभी तो चुनावी तिथियां आना बहुत समय बाद आने की आएगी, लेकिन सभी दल इस तरह से लगे हुए हैं कि जैसे चुनावी तिथियां घोषित हो चुकी हैं। कांग्रेस को लेकर ही बात करेंगे केवल जी। देखिए राजनीतिक अनुभव और राजनीतिक उपलब्धियों के आधार पर, राजनीतिक कद के आधार पर बात करें तो कोई इसमें दो राय है कि नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन अब जिस तरह से मोर्चाबंदी करने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के अपने नेता उनके खिलाफ, तो इन सबके बीच जो बयानबाजी जारी है, इन सबके बीच बीबी बत्रा ये कैसे ऐलान कर सकते हैं या दावा कर सकते हैं कि अगले मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा होंगे, जबकि बाबरिया ये कह चुके हैं कि हाईकमान ही डिसाइड करेगा कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। नहीं जी, बिल्कुल हाईकमान ही डिसाइड करेगा। उन्होंने जो पत्रकार ने सवाल पूछा, उन्होंने अपनी राय दी व्यक्तिगत कि मैं हुड्डा साहब को चाहता हूँ, इसी तरह से बाकी एमएलए भी चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी राय दी, वो एक अलग बात है। लेकिन लेकिन जो हाईकमान फैसला करता है, एमएलए सारे डिसाइड करते हैं और हाईकमान करता है, तो एमएलए तो वो है ना, इसीलिए वो अपनी राय दे रहे थे। अब दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जेजेपी की अभी बात चल रही थी, जेजेपी के राजा राम आज कांग्रेस ज्वाइन शामिल हुए, इसके साथ साथ 24 एक्स एमएलए जो है वो बीजेपी, आईएनएलडी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, इंडिपेंडेंट के भी कांग्रेस पहले ज्वाइन अभी भी इन दिनों में कर चुके हैं, और बीजेपी के कई जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कई वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पन्ना प्रमुख भी जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी के जिला। तो इसका जो एक जिलाध्यक्ष का नाम है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। और दूसरी बात सुनिए, जो आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष का नाम बताइए, अनुभव बैठे हैं आप, ये देखिए पंजाब और दिल्ली के अंदर चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, क्राइम में भी, और पंजाब जो है वो ग्रस्त है, और जिस तरीके से रोज गोलियां चल रही है पंजाब के अंदर, कितने लोग मर रहे हैं, पंजाब की आम आदमी पार्टी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और जिस तरीके से शासन संभल नहीं रहा इनसे पंजाब में, इन्हीं के ही एमएलए घरों पर कब्जा कर रहे हैं, पंजाब के आम आदमी पार्टी के एमएलए जो पंजाब के लोगों के घर है बेचारे पड़े हुए, घर वाले हैं जो, उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और ताले तोड़ के अंदर घुस जाते हैं एमएलए आम आदमी पार्टी के, और ये यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम ये कर दिया, हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। अरे भाई साहब, कब्जे करने से तो हट जाओ कम से कम, सारे मंत्री जेल में बैठे हैं आपके, चाहे दिल्ली के ले लो मंत्री, जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के वो जेल में बैठे हैं, किसमें, करप्शन में, और हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है, करप्शन में जेल में, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर का है, करप्शन में जेल में, और जो माणुके है वो कब्जे कर रही है कोठियों पे, बताइए, और ये कह रहे हैं हम बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काम बढ़िया होते हैं तो फिर तो हो रही है काम सारा। और दूसरी बात जो आप ये अभी बात कर रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता, चौटाला के टाइम पे बीजेपी के साथी दल थे और चौटाला को कोस रहे हैं, अरे भाई सत्ता की मलाई चाटने के लिए तो चौटाला के साथ थे आप लोग, अब आप आखिरी साल हमने छोड़ी थी, बोला सरकार छोड़ी थी, हम चौटाला से अलग होते हैं, ये करप्ट सरकार है, तब तो सत्ता की मलाई चाट रहे थे आप। पंजेटा जी तो ये कह रहे थे कि अभी तो चौटालाओं के साथ सरकार चला रहे हैं, सुनिए अभी तो चौटाला परिवार का एक हिस्सा आप लोगों के साथ सत्ता में है, पंजेटा जी ने भी कहा साथ चला रहे हैं, अब जो जेजेपी चौटाला का ही तो हिस्सा है, उसके साथ मलाई चाटने के लिए लगे हुए हैं, और भ्रष्टाचार देखो कितनी एसआईटी बैठी है, माइनिंग घोटाला, शराब घोटाला, धान घोटाला, बिजली मीटर खरीद घोटाला, कितने तो घोटाले कर लिए, वो सारे घोटालों की एसआईटी है, वो कहां गई, जाट रक्षण के दौरान प्रकाश सिंह कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट कहां गई, सरकार दोषी है उस प्रकाश सिंह, अभी चर्चा को आगे ले जाना होगा, सरकार ने किस पे एक्शन लिया, मुख्यमंत्री दोषी है उसके अंदर,
मुख्यमंत्री दोषी है, सीएम खट्टर दोषी है उसके अंदर प्रकाश सिंह कमेटी रिपोर्ट में। नहीं नहीं, कमेटी की रिपोर्ट में बड़ी बड़ी बातें, कमेटी की रिपोर्ट में सीएम को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया गया था। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट पड़ी है, प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रही हूं मैं। 2016 सार्वजनिक करते हैं और एक्शन लेते हैं। नहीं नहीं, और एक्शन में खट्टर साहब, मैं अभी चर्चा को देखिए डिरेल नहीं हुई है, उसके गुर्गे उसमें जो है दोषी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके गुर्गे दोषी हैं। विदुर राव जी, देखिए डिरेल नहीं करा आपने, ऑडियो सुन करिए ना, ऑडियो क्लिप सुनिए, गुर्गे तो सामने आ जाएंगे, गुर्गे सारे पता लग जाएंगे कौन कौन से है। सार्वजनिक क्यों नहीं करी 9 साल से, छुप क्यों रहे ऑडियो सबने कहा जा रहे हैं। ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उसके बाद तो एक इलेक्शन हो चुका है, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक बात कर रहे हैं, प्रकाश सिंह हम चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, आप लोगों की अलग अलग दलों की तैयारी की बात कर रहे हैं, आप लोग कहाँ पहुँच गए। यूं तो देखिए अनंत विषय है जिस पर आप लोग बार बार चर्चा करेंगे, घंटा काफी नहीं है, समय काफी नहीं है उसको बात करने के लिए। विदुर रावल जी कुछ कहना चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी को लेकर, पिछली बार इनका उत्तर नहीं हो पाया। नहीं नहीं, इलेक्शन के बीच में है ना, तो सरकार को नुकसान किसने, सरकार ने किस किस को नुकसान पहुंचाया, किस किस वर्ग को पहुंचाया, ये तो पूछने की बात है ना। ज्योति जी अपने समय में बोलेंगे, मेरे समय में बोलेंगे, ऐसे कैसे चलेगा। अभी सुनेंगे केवल जी, शांति से। पंजेटा जी की आत्मा आ गई क्या इनमें? अरे मैं तो चुपचाप बैठा हूँ भैया। चलो तो इतना कहना चाहता हूँ, आप बोलोगे भाई, जब आपके बारे में बोलूंगा आप बीच में बोलोगे, चुप तो आप भी नहीं रहोगे। आप पहले से तो मत बोलिए। विषय ये है सारा का सारा कि कल कांग्रेस के कल तीन नेताओं ने आकर ये साबित किया कि कांग्रेस का सारा जो ये गैंग है, इस पर सारी कांग्रेस पर कब्जा भूपेंद्र हुड्डा का नहीं है, हमारा भी एक गैंग है, हमें भी सीरियसली लो। कुल सारा विषय ये था। उसका खंडन करने के लिए आज कुछ एमएलए आकर, जो हुड्डा गैंग के एमएलए माने जाते हैं, उन्होंने आकर अपनी बात रखी। अभी उनकी बात यानी कल वाले नेताओं का खंडन किसने किया? खुद आकर उस दूसरे गैंग क्या कर रहा है फिर? इसी प्रकार से बीबी बत्रा जो कि बीजेपी गैंग क्या कर रहा है, बता रहा हूँ, गैंग बीबी बत्रा जो कि हुड्डा हुड्डा ग्रुप के व्यक्ति हैं, राव इंद्रजीत गैंग क्या कर रहा है, भाई कौन तमीज सिखाएंगे लोगों को? दर्शक ही देख रहे होंगे इनका आचरण, आज दर्शक इनका आचरण देख रहे हैं ना, किस प्रकार से ये जो है उछलते हैं। इन लोगों को वोट दोगे क्या? नहीं देना ना, अपने शब्दों इनका यही आचरण देख लो, कभी वोट नहीं देना, गैंग बोल रहे जीवन में ना देना। हमारी पार्टी को गैंग कैसे बोल सकते हो अब बीबी? अरे गैंग ही तो है, हमारे कबीलों की लड़ाई है, लूट की लड़ाई है, और क्या है? हमने काम करके दिखाया, आप लोगों ने क्या किया? मुझे भी ऐसा, मुझे भी ऐसा लगता है इन सबके बीच में मुझे भी बोलना चाहिए। बोल सकते आप हमारी पार्टी को गैंग नहीं बोल सकते, बता रहा हूँ मैं आपको। अभी बीबी मैंने बताया कि एक ग्रुप का एक, अरे बंद करो मेरे पास, चुप रहो अब, तू बंद कर, अब मैंने बताया किस प्रकार से एक ग्रुप का नहीं चर्चा नहीं हो पाएगी। चैनल पे बात कैसे की, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये व्यक्ति, ये इतना बदतमीज व्यक्ति है अपने घर में, अरे तुम्हें किसी ने टोका क्या? तुम इतनी बकवास वाहियात बात कर रहे हो, तुम्हें टोका किसी ने? मेरे बीच में, मेरे समय में तुम बोलते हो? सुनिए, पहले यही काम तुम्हारा जो अभी चचेरा भाई कर रहा था, पहले यही काम तुम्हारा चचेरा भाई कर रहा था, क्या हो रहा है ज्योति जी? पहले दिखता नहीं है जनता को, जान बुझ कर मुझे बोलने से रोका जा रहा है, जान बुझ कर बोलने से रोका जा रहा है, इतना मुझसे क्यों डरते हो? आदमी को चुप कराइए पहले। नहीं नहीं, आप ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, आप व्यक्तिगत कमेंट नहीं करिए। अरे मुझे तो बोलने का अवसर दिया भाई, नहीं करेंगे, ये बता रहा हूँ आपको। आप मैं निवेदन कर रही हूँ आपसे, आपके केवल जी ये सुनिए एक बार, विदु जी आप सुनिए एक बार, मैं एक बात कहती हूँ केवल जी, अरे कांग्रेस को गैंग कैसे कह सकते हैं? ये गैंग तो इन्होंने पिछली बार भी कहा था, तब आपत्ति जताते ना अपने समय में, मैं बता रहा हूँ ये पिछले उत्तर में भी गैंग कह रहे थे, आप अपने समय में आपत्ति जताते इस बात को लेकर, आप इनके समय में आपत्ति न जताए। माफी मांगे केवल डिंगरा, गैंग वाली बात से माफी मांगे, ये गैंग वाली बात से माफी मांगे पहले, आप सुन लीजिए, समय कम बचा रहे, दूसरे नहीं सर, इस शब्द को पकड़ के बैठ जाएंगे सर, समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा। अरे गैंग ही तो है तुम्हारा, माफी मांगे, कबीले ही तो है तुम्हारे, और क्या है? नहीं तो बायकॉट करेंगे इसका, बायकॉट करेंगे, नहीं मांगा, नहीं मांगा। आप लोग क्या अपनी पर्सनल लड़ाई लेकर बैठ जाते हैं क्या? बेशर्म आदमी है,
तुम बहिष्कार करो, मैं गैंग कहूंगा। जनता तुम्हें बॉयकॉट कर रही है, जनता तुम्हें बॉयकॉट कर रही है। तुम्हारे बॉयकॉट से किसको फर्क पड़ता है? इसी चैनल पे माफी मांगे, पक्का करना है। बिल्कुल माफी नहीं मांग रहा हूँ, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, दोबारा से कह रहा हूँ। अरे किसी चैनल पे ना आना, किसी चैनल पर आना, तुम्हारी तुम्हारी सूट नहीं देखना सारी जगह से। और बीजेपी को भी पक्का भेजो, पक्का भेजो, पक्का भेजो। बीजेपी के हाई कमांड आप भेजो, इसके मैं अपनी बात रख सकता हूँ, दिखाऊंगा ये किस तरह का प्रवक्ता। अरे खुला कह रहा हूँ भाई, सर आदमी है तुम्हें, ये जो तुम्हें करना करो, कांग्रेस पार्टी जो तुम्हें करना करो, मैं समझाऊंगा इसको कांग्रेस पार्टी। ज्योति जी ये जान के आपको समझ नहीं आ रही कांग्रेस पार्टी। केवल इंडिया जी, केवल इंडिया जी एक शब्द को पकड़ कर नहीं बैठेंगे, मेरे समय में ये बोले देश को दो टुकड़े किए, एक शब्द को पकड़ कर नहीं बैठेंगे। आपको आपत्ति थी, आपने आपत्ति जाहिर कर दी है। बोल दिया पहले माफी मांगे, नहीं सर ऐसी चर्चा रुक जाएगी। ये इनको इनको लगता ये अपने इस वर्ड को जस्टिफाई कर रहे हैं। इनका कहना है कि गैंग है तो है, ये इसका चैनल के ऊपर बायकॉट माना जाएगा आज से बाद। कांग्रेस का बायकॉट होगा इस आदमी के खिलाफ। नहीं केवल जी, वो आपकी पर्सनल लड़ाई, आप डिबेट के बाद लड़ लीजिएगा, ये समय बर्बाद ना करें। कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं आएगा ये, आप नहीं नहीं आप ऐसे मत करें प्लीज। डिबेट को छोड़ो, बायकॉट करो, माफी मांगे बायकॉट करो, डिबेट को छोड़ो, माफी मांगे छोड़ दो, डिबेट को बायकॉट करो, डिबेट का समय। विधु रावल जी आप गैंग, आप विधु रावल जी, मैं एक बात कहूं, आप गैंग के अलावा भी तो कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गैंग ना कहें, आप गुट कह दें सर, आप अलग अलग क्यों नहीं कह दें? अगर इनको इस शब्द से आपत्ति है तो हम कम से कम समय बचाएं अपने। एक बात को पकड़कर हम ना बैठे। ढींगरा जी आप भी इनको बहुत बार दूर बदतमीज कह चुके हैं, आप भी अपनी भाषा का ध्यान रखिए। आप भी तो व्यक्तिगत कमेंट किए जा रहे हैं केवल जी, कब से ये क्या तरीका क्या है चर्चा का? केवल समय की बर्बादी। मैंने इसको बोला, ये गैंग बोल रहा पार्टी को, तो मैंने इनको सुझाव दिया है कि अगर आपको आपत्ति है तो समय ना बर्बाद करते हुए कुछ और शब्द का इस्तेमाल कर ले। इसको बोलो, नहीं केवल जी जिद नहीं चलेगी, केवल जी आपकी बात ये सुन चुके हैं, जिद नहीं चलेगी। ढींगरा साहब मैं अपने शब्द बोल सकता, आप डिबेट को नहीं रोके अभी, इनकी ऑडियो गैंग नहीं बोल सकता पार्टी को, नहीं बोलने देंगे। ये एक डिजाइन पार्टी को गैंग नहीं बोल सकता, ये माफी मांगे। अरे बकवास बंद करो, बकवास बंद कर ढींगड़ा, बकवास बंद कर, और पानी का बिल भर के आओ जाके। देखिए इसकी तमीज, ये क्या देखिए आप लोगों की, इसकी तमीज देखिए। हाँ देख ली। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, क्या ये समझ में नहीं आ रहा क्या? दर्शक समझ में नहीं क्या? ये जानबूझकर अपने समय में बोलते हैं। केवल जी आप एक शब्द को पकड़कर टाइम बर्बाद नहीं कर सकते डिबेट का। कांग्रेस मेरा बायकॉट करो, तुम आप लोग कर लीजिए भाई, तो अभी आप डिबेट होने दीजिए, अभी मैं डिबेट छोड़ देता हूं। जी आप इस डिबेट पे माफी मंगाओ। केवल जी कैसी जिद है सर, ये क्यों समय बर्बाद किया जा रहा है? फिर वही बोल रहे हैं, वही रट्टा, ये जिद नहीं है, इसने हमारी पार्टी के खिलाफ। आप लोगों को बहिष्कार करना है ना, कर लीजिएगा। अब मैं क्या करूं, मैं इनसे जबरदस्ती माफी मंगवाऊं? इनको लगता है गैंग है और ये बोल चुके हैं, अब दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए सर। देखिए आप जबरदस्ती अपने शब्द इनके मुंह में नहीं डाल सकते हैं ना, चला रहे हो। तो मैं इनसे आग्रह कर चुकी हूँ, गैंग के अलावा कोई शब्द आप भी तो बार बार बेशर्म में बदतमीज कह रहे हैं, मैं भी तो आपको जबरदस्ती नहीं रोक पा रही हूँ ना। मैं बोलने देंगे तभी तो कुछ बोलूंगा। ये कह रहा पहले आप लोग किसी के बोलने कहने से नहीं रुकते हैं, किसी का आग्रह निवेदन आप कुछ नहीं सुनते। हरियाणा की जनता देख रही है, आप बातों को सुन रही है, ये कोई हरियाणा की जनता की आवाज, हरियाणा की जनता सुन रही है आप दोनों को। अभी ये नकारे हुए पिटे हुए लोगों की बात ही सुनेंगी, ये हरियाणा की जनता की बात नहीं सुनी जाएगी। ये जेजेपी के लोगों की जिन्हें अपना दिल से नकारे लोगों की, मैं आखिरी आग्रह कर रही हूँ केवल जी, सारी पार्टियां इसका बायकॉट करें। आप दोनों को मुझे म्यूट करना होगा विधु जी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर्सनल इस आदमी का बायकॉट करना चाहिए सभी पार्टियों। केवल जी आपकी पार्टी डिसाइड कर लेगी ना, हमारी डिबेट का क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? आपकी पार्टी को जो डिसाइड करना है कर लीजिएगा। ये बायकॉट करेगा इसका, आपकी कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर लेगी आज का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। चलिए मैं माफी के साथ विधु जी, जो गरजते हैं बरसते हैं, आप कर लीजिएगा सर, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? हमारी पार्टी का बात कर रहे हैं, मैं कोई और बात कहना नहीं, मैं ऐसे कोई बात नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल ज्योति जी, मैं कोई और बात कहना चाह रहा हूँ। केवल जी आप लोगों को बहिष्कार करना है, आप कर लीजिएगा अभी।
दोनों की आप इनके खेल में मत फंसिए। तो क्या करें सर, मुझे वाइंडअप करना है। तीन तीन प्रवक्ता और भी हैं, पीसीआर आप सुन रहे हैं, इनके वॉल्यूम को वाइंडअप कीजिए और मेरी बात जान लीजिए। सर मैं अकेले आखिरी कमेंट के लिए आऊंगी अगर समय बचा। ये जो खेल था ये फ्लॉप हो जाए। ये सर क्यों समय बर्बाद किया जा रहा है? ये बिल्कुल निरर्थक बहस है। ये जनता की आवाज रुक नहीं पाएगी। तुम पंडिता जी 5 मिनट भी नहीं आप बोले। पीसीआर म्यूट कीजिए। ये लड़ाई करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। आप लोग फोन पर बात कर लीजिएगा पर्सनल लड़ाई के लिए। और केवल जी अगर आप लोगों को बहिष्कार करना है आपकी पार्टी डिसाइड करेगी। आप इस बात को लेकर चिल्ला चिल्ली नहीं करेंगे यहाँ पर। पंडिता जी बोलिए। देखिए ज्योति जी, जब भाजपा के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे भ्रष्टाचार के बारे में आरोप लगा रहे थे, तो अभी इन्होंने अजीत पवार जी के ऊपर, जिनके ऊपर बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप इन्हीं की पार्टी ने लगाए, तो अभी इन्होंने वहां उनको शामिल कर लिया महाराष्ट्र के अंदर अपनी पार्टी में। ऐसे ही हेमंत बिस्वास के ऊपर जो थे वो वोटर घोटाला था, छगन भुजबल जी के ऊपर महाराष्ट्र छगन घोटाला है, उसके बाद नारायण राणे जो है उनके ऊपर लैंड घोटाला है, जय पांडा है पीएमएलए घोटाला है, मुकुल रॉय है शारदा घोटाला है, शुभेंदु अधिकारी है उनके ऊपर भी शारदा घोटाला है, उसके बाद पेमा खांडू है उनके ऊपर 2000 के घोटाले का आरोप है, इसी तरह शिवराज चौहान जी व्यापार घोटाला है, हसन मुश्रिक है उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप है। जब पार्टी खुद इतना बड़ा अभी दो दिन पहले आरोप लगा रही है और आप एक दिन भी दो दिन भी आप वेट नहीं करते हैं, तो ये क्या कैसा वॉशिंग पाउडर है कि मतलब आपको लगता है कि ये जनता है उसे या तो आप बेवकूफ समझते हैं। कम से कम कुछ तरीके से तो करिए। आप तो बिल्कुल सरेआम ही हो गए हैं, बिल्कुल आप खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और पंडिता जी मुझे समय बिल्कुल कम है सर। बेनीवाल जी आपका भी आखिरी कमेंट। एक लास्ट एक वर्ड बोलना है कि भाजपा के जो प्रवक्ता है वैसे वो बार बार हमें भी गुंडा गुंडा बोल रहे हैं, हो सकता है उनका अहंकार हो, तो थोड़ा भाषा का, मैं कभी भी उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। जब आप इन्हीं के साथ मिलकर सरकार पहले चलाई, अभी भी इन्हीं के साथ मिलकर चला रहे हो, तो कम से कम फिर आप वो अपने शब्दों को अपने ऊपर ही लागू कर रहे हो, तो जनता को बेवकूफ ना समझे। मैं बेनीवाल जी से आखिरी कमेंट ले लूं फिर। विदु जी, छोड़ दी थी सरकार हमने। आप पंकज बेनीवाल जी, ज्योति जी, संक्षेप में सर, समय मेरी स्थिति को समझिए। अभी समय नहीं है, समय नहीं है सर, समय नहीं है। ज्योति जी, आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन लगातार बढ़ाती जा रही है, संगठन को लगातार लिस्टें जारी करती जा रही है, प्रदेश से लेकर के लोकसभा, जिला लेवल, विधानसभा लेवल, ब्लॉक लेवल तक हमारा संगठन बनके तैयार है। उसके लिए हमने शपथ ग्रहण समारोह भी हमारे साथियों के साथ किया है कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाना है और 2024 में सुनिश्चित करना है जो हमने अभी कुछ पिछले महीने तक 11 लाख नए सदस्य बनाए थे वो 40 लाख के पार नए सदस्य बनाने हैं और हरियाणा के अंदर अपनी सरकार 2024 में सुनिश्चित करनी है। जादून साहब, देखिए ऐसा है कि सभी दल जो है तैयारी में जुटे हुए हैं और सब सत्ता के आकांक्षी होते हैं और ये है कि सत्ता को वो ये दावा करती है कि सत्ता सेवा का माध्यम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं। जब चूक जाते हैं तो मतदाता भी उनको वैसे परिणाम देता है। तब सबको अपने आप को अपने अंदर झांकना है, ये आत्मावलोकन करना है कि उन्होंने किस तरह से जनता की सेवा करने का वादा पूरा किया और उसमें कहां कमी ली और उसी के हिसाब से उसको तैयारी करना है, तो आने वाले चुनाव में उसके हिसाब से ही परिणाम मिलेंगे। मैंने महसूस किया है कि भारतीय लोकतंत्र में चाहे मतदाता जो है देर से फैसला शुरू कर रहा था उसी समय मुझे जानबूझकर टोका गया क्योंकि मुझे बोलने से रोकने का एक डिजाइन की बर्बादी बहुत हो गई। ये सारा का सारा, ये हमारी आवाज नहीं है, ये हमारे, ये जनता की आवाज रोकने का एक बड़ा घृणित प्रयास आज किया गया, इसकी निंदा होनी चाहिए। पहले रजत पंजेटा ने किया, उसके बाद उनके जो सहयोगी आज बनने की कगार पर खड़े हैं केवल जी ने, बिल्कुल नहीं मांगनी। अच्छा, अब से पक्का गैंग हो भाई, तुम गैंग हो, तुम इसमें कोई फर्क नहीं है। अब इनका, इनकी ऑडियो प्लीज बंद कीजिए, अब जानबूझकर नहीं बोलने दे रहे। देखिए, मैं दोबारा से इनकी बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रमाणिकता है और उस प्रमाणिकता और जनता के प्रति हमारा जो समर्पण है
उस समर्पण के बते हमें जनता स्नेह प्रेम और आशीर्वाद देती रही है। उस प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद से ये चिढ़कर जलकर ये जनता को आज प्रताड़ित करना चाहते हैं। आज ये जो मेरे साथ इन्होंने करने का इस बेल में प्रयास किया, ये मेरे साथ नहीं, ये हरियाणा की जनता के साथ किया। हरियाणा की जनता देख ले किस प्रकार से ये बुलडोजर चलाते हैं जनता की आवाज पर। अपने समय में बिल्कुल बोले, अपने समय में ये बात नहीं रखी, मेरे समय में मुझे जानबूझ कर धोखा, ये लोमड़ी की तरह छात्र है, जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। जनता डिबेट खत्म हो गई, बहस भी खत्म हुई, अब आप लोग एक दूसरे को फोन करके जनता प्रबुद्ध है वहाँ बात कर लीजिए। अब आगे समय निभा, शुक्रिया सब का। आप लोग ये चिल्ला चिल्ली करते दर्शकों का समय भी आप लोग खराब करते हैं, दूसरे प्रवक्ताओं का, दूसरे मेहमानों का भी। तो आज चर्चा हमने 2024 को लेकर की है, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।